सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। आज हो चुकी है 21 अगस्त और 3 सितंबर को आपका एग्जाम है। टेंशन का माहौल होगा, उसी टेंशन को दूर करने के लिए और लास्ट टाइम पर कुछ गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं और 4-5 महीने की मेहनत आपकी पूरी बर्बाद जा सकती है, उसको रोकने के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, पसंद आए तो लाइक भी करना है, प्लीज़ देखिए। देखो, सबसे पहले अगर आपको टेंशन हो रही है तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, क्योंकि टेंशन हमें तभी होगी जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अगर हमने तैयारी नहीं करी, अपने आसपास किसी बंदे को देखिए, अपने भैया से पूछ लीजिए, मम्मी से पूछ लीजिए, आपको टेंशन हो रही है एग्ज़ाम की, उन्होंने तैयारी नहीं करी, एग्ज़ाम नहीं देना है, तो फिर क्यों टेंशन होगी। कुल मिला के आपकी तैयारी अच्छी है इसीलिए आपको टेंशन हो रही है, सिंपल। आपने मेहनत करी है इसीलिए टेंशन हो रही है, और अच्छी बात है। अब वो सारी चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती हैं, आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है, वहाँ पे आप कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो अगर आपको टेंशन हो रही है तो वेरी गुड, नहीं हो रही है तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है कि आपकी तैयारी सही है भी या नहीं, यहाँ पे आप डाउट कर सकते हैं। अब एक बात, धीरे धीरे हम पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हो सकता है मॉक टेस्ट जैसे बनाए जाते हैं उस हिसाब से आपके नंबर वहाँ पर ज़्यादा ही आते हैं, पहला रूल तो ये है। दूसरा, अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर अगर आपका परफॉर्मेंस ख़राब हुआ तो वो नंबर तुरंत गिर जाएंगे। मॉक में अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहाँ पे आपका प्रदर्शन आपको अच्छे तरीके से करना है, मॉक को एनालाइज़ करना है, कहाँ पे आपके नंबर कम रह गए थे उस चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है लास्ट के टाइम पे, ठीक है। तो मॉक को फाइनल मत समझिए अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भी सीजीएल प्री में 120 मार्क्स थे और फिर मैंने मेंस के जब मॉक दिए तो भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, 240-250 तक आ रहे थे, मतलब मेरे पर्सनली, फिर उसके बाद में जब वहाँ पर 285 मार्क्स भी आए, ठीक है। तो मॉक सब कुछ नहीं होता है, ऐसे भी दोस्त थे जिनके अंग्रेजी में जो है 120 मार्क्स आ रहे थे लेकिन वो नहीं आ पाए वहाँ पे, तो कोई ऐसा भी हो जाता है। तो कुल मिला के मॉक के ऊपर मत उलिए, ठीक है। दूसरी जो बात है वो है, इस टाइम पर मैराथन क्लासेस की लड़ी लगी हुई है और नहीं लगी हुई है तो लगने वाली है, ठीक है। आपको उन सब मैराथन से बच के रहना है, हर टीचर से बच के रहना है जो मैराथन की बात कर रहा है। लास्ट टाइम पर इंपॉर्टेंट क्लासेस ला रहा है, वो भी सब बकवास की बातें हैं भाई। लास्ट टाइम पर इंपॉर्टेंट क्लासेस का क्या मतलब है, अभी मैं बता दूं कि मेरी ये प्लेलिस्ट है, इसको देख लीजिए, अच्छी है। लास्ट टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी करनी है। मुझे पता है वो मैराथन में बोलते हैं कि पिछली बार इससे 5-6 क्वेश्चन आए थे, इस बार आपके पक्के फंस जाएंगे, तो अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो पहले ला के दो ना भाई। मेरे को बहुत बुरा लगता है लास्ट टाइम पर हमें पता चलता है कि उनकी, और हाँ लास्ट टाइम पर व्यू भी आते हैं, बच्चे डरे हुए होते हैं, आपको बिल्कुल नहीं देखनी है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उन आपने कहीं और से पढ़ा हुआ है, उनके पढ़ाने का तरीका और है, बहुत सारी 50 बातें हैं। उन्होंने 10 क्वेश्चन कराए, 5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहे हैं, आपको लगता है अरे ये कैसे नहीं आ रहे हैं, मैंने तो पूरी पढ़ रखी है फिजिक्स, ठीक है। तो मैराथन से बच के रहिए और नई क्लासेस से बच के रहिए, आपने जितना भी पढ़ा है उस सबको समेटिए, रिविज़न करिए, दोबारा रिवीजन कर लिया फिर से समेटिए, फिर रिवीजन करिए, कम से कम वहाँ पर जाके आपकी ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अरे ये पढ़ा हुआ है बस आ नहीं रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। ये सिचुएशन तब होती है जब आपने एक दो बार रिवाइज किया होता है ना, या फिर रिवीजन करा ही नहीं होता है। रिवीजन को बहुत ज़्यादा जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, ठीक है। नई चीज़ों को पढ़ने से बचिए, ठीक है। जैसे आपने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ ली है और अभी आप मुगल काल पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मुगल काल पढ़ने मान लीजिए आपने 6-7 दिन में पढ़ लिया है, फिर रिवीजन कर नहीं पाया, क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा है कि मुगल काल पढ़ने के बजाय आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री को 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। डिपेंड करता है आपका टाइम अच्छा कहाँ पे जा रहा है। अगर आपने मैथ की बात करते हैं, मैथ में आपने नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, ये 5 टॉपिक अच्छे से कर लिए हैं, वेरी गुड, ठीक है। नहीं करे हैं इनमें से 3 टॉपिक कर लिए हैं तो उनको रिवीजन तो करना ही है, साथ में जो 2 टॉपिक छोड़ दिए हैं आपने इन दोनों में से, इन 5 में से कोई से भी, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा कम से कम पढ़ लीजिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन 2 टॉपिक से आने वाले हैं, उनमें से 10-12 क्वेश्चन तो कर ही लो, कम से कम फॉर्मूले ही पढ़ लो, एक एक क्लास ही देख लो 3-3 घंटे की, कुछ नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ आप टाइम दे सकते हैं, करेंट अफेयर्स नया पढ़ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई, जितना पढ़ा है रिवीजन कर लीजिए केवल, ठीक है। अगस्त की करेंट अफेयर्स नहीं आने वाली है, मत पढ़िए, लेकिन मैं एक प्रिडिक्शन करने वाला हूँ इस वीडियो में, मेरे को लगता है चंद्रयान 3 से क्वेश्चंस आना ही आना है, और रसिया का जो लूना मिशन गया था उससे भी, ठीक है। तो चंद्रयान के बारे में क्वेश्चंस आना मेरे लिए तो लाजमी है, आना ही चाहिए, आएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम की कमी पड़ रही है तो फिर इस टाइम पर आप जो है S12, S6 और PQRS और जो है पैसेज जो हैं, क्लोज टेस्ट जो है, इनको सब जो है आप थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपने पैसेज वगैरह रीडिंग वाला जो पार्ट है उसको आप कम कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग आपको जितनी करनी थी आप कर चुके हैं, ठीक है। इस टाइम पे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वोकेबलरी वगैरह जो है उसको रिविजन कर सकते हैं, जितनी भी आपने कंपाइलेशन करा हुआ है याद करने के लिए,
मैथ्स में थोड़ा सा एक दो मॉक दे सकते हैं अभी के टाइम पे देना चाहें तो, और इस टाइम पे कोशिश करिए जीएस वगैरह के मॉक ना दे के आप जो है उसको ग्रैंड करते रहें, डिवीजन करते रहें, ज़्यादा बेटर है। उसके क्वेश्चंस देखते रहें कहाँ से प्रीवियस ईयर आए हैं, कम से कम आपके पास 5-6 पेपर सीडीएस 23 के, 22 के, 21 के इतने सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 21 से लेके 23 तक 5 पेपर हो गए ना, वो आप पूरे सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा सही है। और कर लिए तो और अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए। लास्ट टाइम पे सबसे जो साथ आपका देगी वो सेल्फ स्टडी है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप जितना टाइम यूट्यूब पर देने वाले हैं वो सब वेस्ट होने वाला है वहाँ पे जाके, ठीक है। तो कम से कम आप जो है सेल्फ स्टडी करिए, कम से कम यूट्यूब पर ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये कहना चाह रहा हूँ एट लास्ट, ठीक है। और कोशिश करिए कि अपने अंदर एनर्जी बना के रखें, क्योंकि आपको वहाँ पर जो है 10 घंटे बिताने हैं भाई, सीधी बात है। 10 घंटे कम बताए मैंने, दो दो घंटे के तो एग्जाम होंगे 3, और फिर उसके बीच में एक एक घंटा जो होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है दिक्कत होनी होनी नहीं चाहिए भाई। थक जाते हैं, पहले 2 घंटे का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, पूरा जोश है, दूसरे 2 घंटे का देते हैं, बस थक गए, फिर तीसरा वाला तो देने की हिम्मत नहीं होती मैथ वाला, ठीक है, पेन नहीं चल रही होती है चलाने से भी। डरा नहीं रहा हूँ, अगर आपकी एनर्जी कम है तो मैं ये कह रहा हूँ, दोपहर में सोने की बजाय उस एनर्जी को इकट्ठा करिए, कैसे भी करके क्या कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी एक स्पीड बूस्टअप हो जाए, शरीर की स्पीड बूस्ट हो जाए, ठीक है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुल मिला के मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। किसी भी मैराथन पर ध्यान मत दीजिए, मॉक में नंबर आ रहे हैं उन पर डिपेंड मत रहिए, टाइम आप अपनी अच्छी जगह पर दीजिए और वहाँ पर जो है अपने अंदर एनर्जी बना के रखिए, ताकि आप वहाँ पर 10 घंटे बिता सकें, ठीक है। और बाकी जो है आपके डाउट जो है वो आप पूछ सकते हैं, जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हैं उनके अंदर बहुत सारे डाउट होंगे, तो आप जो है वीडियो का कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नई वीडियो बना दूंगा अगर ज़रूरत होगी, नहीं तो आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।